खाट करो दिने आठ खाट से खाणी फल खायो मैं नारानी श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिने आठ खाट से खाणी फल खायो मैं नारानी तिलक दुखियारी थी मैं ना सुंदर एक नारी थी कोड़ी पतिलक दुखियारी थी नहीं पड़े चैन दिन रैन नहीं पड़े चैन दिन रैन व्यथते फुलानी फल पायो मैं नारानी श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन रात खाट से खाणी आयो मैं नारानी झूमते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा के
प्रतिष्ठाचार्य जी को बुला लिया, गुरुदेव भी आ चुके, भावना जी तो आपके साथ हैं ही, वो गा रहे हैं, संगीतकार अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम सभी काहे के लिए आए हैं लगाने के बाद, तो खोलिए ना नल। हाँ जी, हो तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार, बाबा हो बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, बाबा हो बाबा।
तुम्हारी शरण में आए हर आज्ञान हमारा करता है प्रभु से किनारा करता है प्रभु से किनारा सिर वीर प्रभु के जन्म कल्याणक का है उत्सव प्यारा करता है प्रभु से किनारा 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 देखिए ये धर्मसभा लगी हुई है। देखो हम दुनिया वाले कैसे हैं और इंद्रलोक कैसे हैं, अपनी अपनी शंका लेकर के बैठे हैं कि कब हमारे इंद्र महाराज आएंगे और कब हम अपनी अपनी शंकाओं का समाधान कराएंगे। तभी घोषणा होती है, सावधान होशियार खबरदार, इंद्रों के इंद्र सौधर्मेंद्र महाराज अपनी सचिंद्राणी के साथ द्वारपाल के साथ नीजुक के साथ पधार रहे हैं। तो देखिए अपने इंद्र महाराज के स्वागत में सभी इंद्रगण खड़े हुए हैं। तभी इंद्र महाराज इशारा करते हैं और उसी इशारे के साथ सभी इंद्रगण अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो देखिए तभी सौधर्म इंद्र महाराज द्वारपाल के लिए क्या घोषणा करते हैं। द्वारपाल शीघ्रता से सुंदर सुंदर सी नृत्यांगना लेकर आओ। ये स्वर्गों की भाषा है, आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। हमारे इंद्र महाराज कह रहे हैं कि द्वारपाल शीघ्रता से जाओ, हमारी सभा को संबोधित करने के लिए एक सुंदर सी स्वर्गों की अव्वल नंबर की नृत्यांगना लेकर आओ। महाराज पवन की तरह जाता हूँ और हवा की तरह वापस लौट कर आता हूँ और आपके राजदरबार में एक नहीं तो दो नृत्यांगना पेश करता हूं। नृत्यांगना हाजिर हो। और नृत्यांगना नृत्यांगना ने सौधर्मेंद्र महाराज को प्रणाम किया। हेलो
माइक क्यों नहीं बज रहे भैया, मंच के क्या हो रहा है इनमें? सौधर्मेंद्र को हम नित्यांगना का प्रणाम। थोड़े माइक देख ले भैया। कहिए सौधर्मेंद्र, हमको कैसे याद किया? आप हमारी सभा में थोड़ा सा मनोरंजन करके, नृत्य करके थोड़ा सा सभा को संबोधित करें। जैसी आपकी आज्ञा। ये समझा क्या कह रहे हैं? फिर मैं कह रहा हूँ आपको स्वर्गों की भाषा समझ में नहीं आएगी। ये कह रहे हैं कि हमारी सभा को संबोधित करने के लिए आप अपना सुंदर सा नृत्य दिखाओ, आपके नृत्य को देख करके हमारी प्रजा प्रसन्न हो जाए। तो खड़ी हो जाती हैं दोनों नृत्यांगनाएं। हो स्वर्गों में छाई बहार बहार, सौधर्म इंद्र जी आए हैं। स्वर्गों में छाई बहार बहार, सौधर्म इंद्र जी आए हैं। सौधर्म इंद्र जी आए, इंद्राणी साथ में लाए। बैठे हैं कैसे सजे धजे, यहाँ ढोलक और नकाड़ा बजे, यहाँ ढोलक और नकाड़ा बजे। सितार की धुन अति प्यारी लगे, सितार की धुन अति प्यारी लगे। यहाँ खुशियाँ, यहाँ खुशियाँ छाई अपारे अपारे। सौधर्म इंद्र जी आए हैं, सौधर्म इंद्र जी आए, इंद्राणी साथ में लाए। सौधर्म इंद्र जी आए, इंद्राणी साथ में लाए। यहाँ हो रही, यहाँ हो रही जय जयकारे। नृत्य किया तो नित्यांगना के नृत्य पर खुश होकर के सौधर्मेंद्र महाराज कुछ दे रहे हैं उनके लिए। आपका नृत्य देखकर हम प्रसन्न हुए और ये हम आपको अपनी तरफ से अपने नौलखा हार भेंट करते हैं। ताली बजाएंगे। नित्यांगना इधर आओ, तुम्हें महाराज ने क्या दिया है? नौलखा हार दिया है। तो एक बात बताओ, खतरे की घंटी से गया था मैं, पवन की तरह गया और हवा की तरह आपको लेकर आया। 4.5 लाख का तुम रख लो, 4.5 लाख का मुझे दे दो। हैं? धन्य हो, ठीक है। ये आपका नित्य हुआ, तभी एक इंद्र के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और बड़े भक्ति भाव के साथ आते हैं। भावना जी हैं क्या? एक माइक ले लें और सभी इंद्रों को भक्ति कराते हुए शंका का समाधान कराना है। जी जी जरूर। तो पहले नंबर के इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ आ रहे हैं भक्ति भाव से। कैसे आ रहे हैं? अरे इंद्रों बलठ में कल लगाओ कि इंद्रों जैसा नाच के दिखाओ। इंद्रों बलठ में कल ये ताली बजाने को तो यही बहुत है। आप भक्ति कर रहे हो या ताली बजा रहे? इंद्राणी जी तुम तो भक्ति करो, मैं ताली बजाता हूं। ताली नहीं बजानी है, भक्ति करनी है। अगर भक्ति करना सिखा दूं नहीं आता हो तो? कभी बल्ब खोलाया आपने? बल्ब कैसे खोलते हैं? ऊपर करो हाथ। और नल की ठूंठी कैसे खोलते हैं?
अरे इंद्रों वाला ठुमका लगाओ कि इंद्रों जैसा नाच के दिखाओ, इंद्रों जैसा ठुमका लगाओ कि इंद्रों जैसा नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ लाला नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ जरा नाच के दिखाओ, संगे संग इन्हें भी नचाओ कि इंद्रों जैसा ठुमका लगाओ। महाराज एक बात बताओ, इधर आओ पहले, इधर आना जी। मुझे शंका यहीं हो रही है, आप तो कौन सी चक्की का आटा खाते जो इतने मोटे हो रहे हैं, और इनको बेचारे को कौन सी चक्की का आटा खिलाए सूख सूख के, जय हो छुआरा हो रही है। अरे कैसे लिया हाथ में हाथ और भक्ति होगी इंद्रदेव के साथ। ओ लिखे ले मुनि राज अकेले बनो में, ओ लिखे ले मुनि राज अकेले बनो में, अकेले बनो में सतन बन में, अकेले बन में सतन बन में, ओ लिखे ले मुनि, ओ लिखे ले मुनि राज अकेले बन में। ओ देखा महाराज को गुस्सा आ गया, तो इंद्राणी जी की कैसी कह रहे हैं, अभी तो हाथ उखड़ जाते, हट जाओ भक्ति करूंगा, तो अपनी शंका का समाधान करा रहे हैं। महाराज प्रणाम। हे देवेंद्र, मेरे मन में एक शंका है, कहो, कृपा करके मुझे उस शंका का समाधान कीजिए। कहो देव, आपके मन में क्या शंका है? हे देवेंद्र, मेरे मन में यह शंका है, कृपा करके मुझे यह बताइए इस मनुष्य धर्म की विशेषता क्या है। हे देव, मनुष्य पर्याय की विशेषता यह है कि वह सप्तम नरक का तक का पाप और सर्वास सिद्धि तक का पुण्य बांधकर उन स्थानों तक पहुंच सकता है। मैं धन्य हुआ प्रभु, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया। और भक्ति करते आए हैं, आ रहे हैं दूसरे नंबर के इंद्र। हो अकेले बनो में सघन बनो में, हो लिखे ले मुनि राज अकेले बनो में, हो लिखे ले मुनि राज अकेले बनो में, काहे को रंगे काहे की पिचकारी, काहे को रंगे काहे की पिचकारी, काहे को रंगे काहे की पिचकारी, तुमसे पहले मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई। एक बात बताओ, आपने तो चश्मा लगा रखा, इनको क्यों नहीं लगवाया? मैं पढ़ता हूं इसलिए मुझे। अच्छा, हमारे इंद्र महाराज अभी पढ़ते हैं और इंद्राजी पढ़ चुकी हैं। जय हो। और कैसे भक्ति, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। हाँ जी भावना जी, चालो रे गुरु दर्शन को, चालो रे गुरु दर्शन को, चिड़ी चिड़ी उड़े रे गुलाल, चालो प्रभु दर्शन को, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? देखिए अच्छा लगता है ना तो कलाकारों का हौसला कैसे बढ़ता है, जब सबकी ताली बजती है। हमारे इंद्र महाराज ने बहुत अच्छी, इतनी सुनहरी भक्ति की है कि आज तक मैंने कभी ऐसी भक्ति नहीं देखी। ताली बजाएंगे इंद्र महाराज के लिए और अपनी शंका का समाधान कराएंगे।
मेरी शंका का समाधान कीजिए। कहो देव, क्या शंका है आपकी? मेरी एक शंका है, भोग भूमि के मनुष्य की आयु कितनी होती है? हे देव, भोग भूमि के मनुष्य की आयु एक पल, दो पल, तीन पल तक की होती है, उससे फिर धीरे धीरे घटती जाती है। जय हो गुरुदेव, मेरी शंका का समाध हुआ, धन्यवाद हुआ। और अगले इंद्र आ रहे हैं अपनी शंका का समाधान कराने के लिए बड़े भक्ति भाव से, और देखना वो जोड़ा कैसा आ रहा है कि शायद आपने कभी ऐसा जोड़ा देखा ही नहीं होगा। छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए, ओ मेरी सर पर रख दो हाथ, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए, हटाऊं तो हटाया नहीं जाए। उसका पैर ही नहीं उठ रहा इंद्र महाराज का। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, हेलो सुन नहीं मांगे वो तो चांदी नहीं मांगते। अरे भैया क्या कर रहे हो? मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, भैया ना होगा आपको। सुरेश भैया, कहीं इंद्राणी जी ने आंख तो नहीं दिखा दी? नहीं जी, इंद्राणी जी ने इंद्र को आंख तो नहीं दिखा दी कि नाचना नहीं भक्ति नहीं करना। महाराज पूछो, ये भावना जी सही तो नहीं कह रही है? कहीं आप में झगड़ा तो नहीं हो गया है? जो इंद्राणी जी आप तो हंस रहे हो और इंद्राणी जी मेरी तरफ आंखें निकाल रही है कि तू क्या कह रहेगा। यह धर्म है आत्म ज्ञानी का, ये भक्ति करना इन्होंने सिखाया तुम्हें? हाँ है? नहीं तो ये तो कह रही है कि इनको ही करने दो, मैं तो नहीं करूंगी। अरे देखो इंद्रों में कितना घनिष्ठ प्रेम होता है, शायद दुनिया वाले मध्य लोक में नहीं होता। कैसा होता है? लिया हाथ में हाथ और इन भक्ति होगी इंद्र इंद्राणी की एक साथ। कैसे कैसे होगी भावना जी? यह समय सारी का चिंतन है, और अपनी शंका का समाधान करा रहे। हे देवेंद्र प्रणाम, आशीर्वाद। मेरी शंका का समाधान कीजिए। कहो देव, क्या शंका है आपकी? स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति कैसे होती है? हे देव, पुण्य पाप से रहित वीतराग भाव ही इस प्राणी को साथ-साथ सुख प्राप्त करा सकते हैं। धन्य हो प्रभु। और इन्होंने अपनी शंका का समाधान कराया और आ रहे हैं अगले इंद्र बड़े भक्ति भाव से। भावना जी, ढोल बजा के बोल कि गुरुवर मेरा है, ताली बजा के बोल कि गुरुवर मेरा है, ढोल बजा के बोल कि गुरुवर मेरा है, ताली बजा के बोल कि गुरुवर मेरा है। देखा स्वर्गों का कितना घनिष्ठ प्रेम होता है। अच्छा? अगर 1000 साल की भी उम्र हो जाए ना तो बराबर दोनों का चश्मा एक जैसा मिलेगा। क्या बात है। और अपनी शंका का समाधान करा रहे हैं। हे देवेंद्र प्रणाम, आशीर्वाद, धर्म वृद्धि। क्या भोग भूमि का मनुष्य भी तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकता है? कृपया मेरी शंका का समाधान। हे देव, यद्यपि भोग भूमि के लोग स्वर्ग तक के सुख भोगते हैं, किंतु तीर्थंकर पद प्राप्ति के लिए योग्य कर्म नहीं कर पाते, अतः तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। धन्यवाद। देखा क्या क्या प्रश्न पूछे इंद्रों ने और सौधर्म इंद्र महाराज ने क्या उत्तर दिया आपकी समझ में? जिन्होंने ज्ञान से सुना है उन्होंने तो सुना होगा। तभी
अचानक सौ धर्मेंद्र महाराज का सिंहासन कंपमान होता है। सच्ची बाजू में बैठी हुई है लेकिन सच्ची को पता नहीं चल पाया। सौ धर्मेंद्र महाराज आश्चर्यचकित हुए, ये अचानक सिंहासन कैसे कंपायमान हुआ? और तर्जनी उंगली अपने मस्तक पर लगाते हैं और अवधि ज्ञान सात कदम आगे बढ़ते हैं और साष्टांग नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु पार्श्वनाथाय, नमोस्तु वृषभनाथाय नमः। तभी सच्ची के मन में शंका उत्पन्न होती है और इंद्र महाराज से पूछती है, हे स्वामी, ना तो कोई यहाँ पर साधु परमिष्टि है, ना कोई पंच परमिष्टि है, आपने साष्टांग नमस्कार किसे किया है? हे स्वामी, यहाँ तो कोई पंच परमिष्टि भी नहीं है और जिनेंद्र भगवान की कोई जिनालय भी नहीं है, आपने किसको नमस्कार किया है? आप तो पंच परमिष्टि के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करते हो। हे इंद्राणी जी, महाराज ने इनको नमस्कार किया है। हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, ये बात पीछे से ले लेना क्या वीडियो शूटिंग। हे सची इंद्राणी, आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है, विषय विकारों से उठकर। हेलो, जिसका इंद्र महाराज ने क्या कहा? क्या बोल रहे हैं इंद्र महाराज? देखना कि सौधर्म इंद्र महाराज का सिंहासन किसके सामने, वो नतमस्तक किसके सामने हुए है, पहले सुनो क्या कह रहे हैं। मैं आपको दिखाने के लिए नहीं, सुनने के लिए बुलाया है कि ये धर्म सभा पंच कल्याण कैसा होता है और सौधर्म किसको नमस्कार करते हैं और कैसे करते हैं। बोलेंगे, मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है, विषय विकारों से उठकर जिसका अंतर मन अतीन्द्रिय सुखों का भंडार होता है, ऐसे महापुरुष को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। स्वामी, यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपने किसको नमस्कार किया है? हे सची, यहाँ अभी तो कोई नहीं है किंतु होने वाले हैं। प्रिय, जिस प्रकार विदेह क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर भगवान भव्यों के अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गदर्शन करेंगे। और सची धन्य हो गई है। तभी हमारे सौ धर्मेंद्र महाराज अपने परम मित्र धनपति कुबेर इंद्र को बुलाते हैं, पहले द्वारपाल को आवाज लगाते हैं। हे लोकपाल देव, महाराज का लोकपाल का प्रणाम स्वीकार हो, आदेश कीजिए। महाराज, आपने कैसे याद किया? लोकपाल देव, इस सुधर्म सभा में मेरे परम प्रिय मित्र कार्य कुशल कोषाध्यक्ष कुबेर को शीघ्र आमंत्रित किया जाए। ठीक है महाराज। ठीक है महाराज, जो जाता हूं नाथ में चरणों में कर के नभर, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूं, हो शीघ्र धनद का अभी आगमन। जाता हूं महाराज, और अभी धनपति कुबेर इंद्र महाराज को उनकी धनश्री के साथ आपके राज दरबार में पेश करता हूं। जल्दी लेकर आइए। सावधान,
होशियार धनपति कुबेरेंद्र महाराज अपनी धनश्री के साथ अपने खजाने से रत्न लेकर सारी प्रजा में लुटाते हुए द्वारपाल के साथ म्यूजिक के साथ पधार रहे लोक के लोग भी होते हैं और स्वर्ग लोक के लोग भी होते हैं। इस तरीके से घनिष्ठ प्रेम होता है। अगर इस तरीके से घनिष्ठ प्रेम होगा तो याद रखना कभी भी कोई हिंसा नहीं करेगा, सच बोलेगा और सत्य मार्ग पर ही चलेगा। तभी सौ धर्मेंद्र महाराज उनके लिए क्या क्या सौंपते हैं, क्या क्या करवाते हैं, आदेश करेंगे सौ धर्म महाराज कुबेर महाराज के लिए। प्रिय कोषाध्यक्ष कुबेर, विश्व धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। आज से 15 माह पश्चात सर्वाज सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से अहमेंद्र चैकर महामना युग प्रवर्तक महाराजा नाभि राय एवं जगत जननी मातेश्वरी मरुदेवी के रूप में पूर्व दिशा से जिनेन्द्र सूर्य प्रकट होंगे। हम सबको प्रभु की सेवा का प्रथम स्वर्णिम अवसर प्राप्त होने वाला है। अतः आप भरत क्षेत्र के आर्यखंड में शीर्घ जाकर अनादि निधन स्वास्तिक पर अयोध्या नगरी के स्वर्ग सहस्त्र मनोहर महामनोहर की रचना कीजिए। जो आज्ञा देवेंद्र, 12 नवयोजन प्रमाण अयोध्या नगरी की महामनोहर रचना करूंगा। आपका यह कुबेर भंडारी ताल तलैया नदी वापिकाओं बाग बगीचों उच्च अट्टिकलाओं से उस नगर को सुसम बनाने में स्वयं को धन्य मानूंगा। और कोई आदेश? और सौधर्मेंद्र महाराज धनपति कुबेरेंद्र महाराज को नगरी की रचना की जिम्मेदारी सौंपते हैं और अष्ट कुमारियों को माता की सेवा में लगाने का आदेश देते हैं और अपने इंद्रों के साथ अपने महलों की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रिय मित्र धनपति, एक बात और सुनते जाओ। नगरी के मध्य सर्वोत्र भवन राजप्रसाद ऐसा होना करना, ऐसा तैयार करना जिसकी रमणीयता अनुपम हो। राजभवन में महाराज नाभि राय एवं मातोश्री मरुदेवी के को सम्मान से ठहराओ और 15 मास तक लगातार रत्न वृष्टि करके पृथ्वी को अरण्य कर दो। ऐसा ही होगा देवेंद्र। राजभवन के प्रांगण में एक समय में 3.5 करोड़ प्रमाण 3 दिन में 3 बार रत्न वृष्टि करूंगा, जिससे कोई दीन दुखी दरिद्री ना रह सके। और कोई आज्ञा हो तो महाराज। हाँ कुबेर, जिन जननी की सेवा दिक कुमारियों को नियुक्त कीजिए। जो आज्ञा देवेंद्र, समस्त क्रियाएं आपकी आज्ञा प्रमाण ही होंगी। यदि आज्ञा हो तो जाऊं। जाने से पूर्व एक बात और सुनते जाओ। तीर्थंकर के माता पिता को वस्त्र एवं आभूषण भेंट कर उचित आदर देना और समस्त क्रियाएं बिना विवेक से संपादित करना। देखो तुम्हें इतना पुण्य संचय होगा कि एक भाव भात तुम भी निर्वाण प्राप्त करोगे। अब तुम शीर्घ जाओ। जो आज्ञा देवेंद्र। धन्य नाथ जीवन मेरा सुनकर हुआ है आज, आज्ञा का पालन करूं जाकर के महाराज। एक बार कुबेरेंद्र महाराज के लिए ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा बोला है। और सौधर्मेंद्र महाराज अपने इंद्रों के साथ महाराज और इंद्रों के साथ चले जाते हैं। तभी धनपति कुबेरेंद्र महाराज शिल्पकार को बुलाते हैं।
हो चला इंद्र छम छम बना रस नगरिया, चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया, बनारस नगरिया, बनारस नगरिया, चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया। और कुबेर इंद्र महाराज शिल्पकार को आवाज लगाते हैं, शिल्पकार हाजिर हो, शिल्पकार हाजिर हो, अभी आया महाराज। कहो महाराज क्या करवाना है शिल्पकार से, आगे आओ महाराज। शिल्पकार हैं क्या? हाँ महाराज, मैं शिल्पकार हूँ, बड़ा ही कुशल शिल्पकार हूँ। आपने आज तक क्या क्या बनाया है? महाराज मैंने वो बनाया है जो आपने देखा है, वो तो मैंने नहीं बनाया है, और जो आपने नहीं देखा है वो मैंने बनाया है। तो मुझे कैसे पता लगेगा? महाराज दिल्ली की कुतुब मीनार तो आपने देखी है? देखी है? नहीं देखी है। देखी है ना महाराज? देखी है। वो मैंने नहीं बनाई है। ताजमहल देखा है? आगरा का ताजमहल देखा है? देखा वो है? भी मैंने नहीं बनाया है। महाराज दिल्ली का लाल किला देखा है? देखा है। वो भी मैंने नहीं बनाया है। तो बनाया क्या है तुमने? महाराज मैं बता दूं क्या बनाया है? बता दूं? बताओ। हावड़ा का कलकत्ता देखा है? नहीं देखा। वो मैंने बनाया है। और क्या बनाया? और देखो किस तरीके से नगरी की रचना करता हूं, आप बैठना और देखना। हो देखो 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 नगरी की रचना अपार देखो, छाई रचना बाहर देखो।
महाराज इधर आओ, इधर से देखो नगरी की रचना कितनी अच्छी है। ऐसी बनाओगे? महाराज देखो ये प्रतिमाएं कहाँ कहाँ से लेकर आया हूँ मैं। ये तो मुंबई से लाया था, इसका रिजर्वेशन अलग से कराया था गोल्डन टेम्पल में। अच्छा महाराज इसका बटन दबाओ तो ये बोलती भी है। देखो बटन दबाएंगे। देखो महाराज अच्छी है ना प्रतिमा, कितनी सुंदर, चश्मा भी लगा के रखी है। और महाराज मैंने सोचा था हमारे कुबेर महाराज कैथवाड़ा से उस्मानपुर के लिए विमान से आते हैं तो उतरने में टाइम लगता है, तो महाराज मैंने सोचा प्रदीप जी से घोड़ा ही खरीद लूँ आपके लिए, तो ये महाराज आने जाने के लिए मैंने आपको घोड़ा खरीदा है। अच्छा है ना महाराज। और महाराज देखो ये प्रतिमा कितनी अच्छी है। ये प्रतिमा देखो किस तरीके से हुक्का पीती है जोर से, अच्छी है ना महाराज। और देखो महाराज इस प्रतिमा का तो कहना ही क्या, महाराज ये कहाँ से लाया हूँ मैं, लंदन से। और ये देखो कैसी बोलती है, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? जलेबी। अच्छी है ना महाराज, अच्छी अच्छी प्रतिमा लेकर आया हूँ। और महाराज देखो इस प्रतिमा का तो कहना ही क्या, ये प्रतिमा नहीं है प्रतिमा है प्रतिमा। महाराज इसको तो ठोक ठोक के इतना मोटा कर दिया, इतना मोटा कर दिया महाराज चलना भी मुश्किल हो गया। देखो महाराज ये हंसता भी है, हंस के दिखाओ। और महाराज देखो इधर देखो कितनी सुंदर प्रतिमा है, अच्छी है ना महाराज। और देखो महाराज ये प्रतिमा बहुत महंगी है महाराज, ये कहाँ से लाया हूँ मैं महाराज तुम्हें पता है? ये उस्मान मोड़ से खरीदी है मैंने, ये महाराज 2400 घंटे भगवान का अभिषेक करती रहती है। अच्छी है ना महाराज, नगरी की रचना अच्छी हो गई, बढ़िया हो गई। तो महाराज हाथों में खुजली हो रही, अरे घुटने टेक के मांग रहे हैं, देखो कितने व्याकुल हो रहे हैं तीर्थंकर बालक के लिए के, हे सची मेरी आंखें व्याकुल हो रही हैं, बालक के दर्शन करा दो। घुटने टेक के मांग रहे हैं, प्रभु जी को दे दो इंद्राणी, ओ मैं ना दूंगी ये कहती है इंद्राणी, धीरे धीरे पग पग धरती। अंत में क्या होता है, सौ धर्मेंद्र खड़े हो जाते हैं और सची को रहम आ जाता है, तो बालक को किस तरीके से सौंपती है महाराज। रुको पहले ये दीवाल खड़ी है बीच में, एक घंटे से पुकार रहा है, पहले इस दीवाल को तोड़ो और फिर बालक को प्राप्त करो। अरे सची इंद्राणी मुझे दर्शन तो करने दो। महाराज दर्शन तो सची इंद्राणी कराने पर, ये दीवाल जो खड़ी है बीच में इसको तो हटाओ, पहले मजदूर लगाओ, दीवाल हटाओ, बालक के दर्शन करो। अरे लोकपाल आप बीच में कैसे आ गए, आपको भी आपका इनाम दिया जाएगा। महाराज वो इनाम तो दिया जाए लेकिन क्या दिया जाएगा ये तो पता लगे। अरे तीन लोग के नाथ के सामने तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको सोने का हार दूंगा। महाराज वो सोने का हार यहाँ उस्मान मोड़ में नहीं चलता है। तो फिर नगद चलता है, नगद मिलेगा आपको, 501 रुपए नगद मिलेंगे। महाराज 500 रुपए में तो ये प्रतिमा बनी है ना, इसका बेदी भी नहीं बनती। तुम्हें पता है कितनी कीमती प्रतिमा, तीन लोग के नाथ जिनका दर्शन करोगे हर किसी को नहीं मिलता है। अभी मुझे दर्शन तो करने दो, जो उचित होगा आपको जरूर दिया जाएगा। महाराज दर्शन हो जाएंगे फिर तुम सीधे चले जाओगे, मुझे कुछ नहीं देके जाओगे, पहले जल्दी बताओ जल्दी। जो भी देंगे आपको उचित दिया जाएगा, आप अभी
सौ धर्मेंद्र महाराज ने लोकपाल के लिए 1100 रुपए की राशि घोषणा की। एक बार धन्यवाद के साथ ताली बजाएंगे और बालक को सौंपती है तीर्थंकर बालक को। बोलिए आदिनाथ भगवान की। और तीर्थंकर बालक को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1008 नेत्रों से निहार रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्या हुआ भावना जी, इंस्ट्रूमेंट वाले परेशान हो गए? तो सुबह तो सभी को आना है, ये रोजाना का कार्यक्रम थोड़ी होता है। कहाँ हुआ है अभी खत्म? अभी कहाँ हुआ है? सौधर्मेंद्र तांडव नृत्य करते हैं और कैसे हो इंद्र नाचे प्रभु द्वारे छुम छना न न न छुम छना न न न छुम छना न न न इंद्र नाचे प्रभु द्वारे छुम छना न न न ताक तुम धिनता धिर किर्धई ताक तुम धिनता धिर किर्धई धिनता धिर किर्धई धिनता धिर किर्धई इंद्र नाचे प्रभु द्वारे छुम छना न न न छुम छना न न न और देखिए बालक जब गोद में होता है तो पिताजी के लिए सूचना पहुंचती है और पिताजी पधार रहे हैं। सावधान, होशियार, महाराजा नाभि राय अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। आ जाओ महाराज, इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, सीधे आ जाओ। इंस्ट्रूमेंट वाले परेशान हो गए, सुबह भी आना है, कोई बात नहीं, आ जाओ महाराज। महाराजा नाभि राय पधार चुके हैं और उनके लिए सूचना मिलती है, बैठे हुए हैं और तभी महलों से सूचना आती है। कैसे? सावधान, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ओ द्वारपाल, क्या सूचना लेकर आए हो? महाराज, महलों में आपकी रानी, रानी के आप। माइक दे दो भैया, एक और दे दो यार, इतने रोजाना थोड़ी होता है कार्यक्रम यार, आज हो गया। महाराज, आपकी रानी, रानी के आप। जल्दी से बताओ। महाराज बता दूं? पहले महाराज जब बताऊंगा मुझे कुछ मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। महाराज ने द्वारपाल के लिए खुशी की सूचना सुनाने पर 501 रुपए की राशि घोषणा की। अगर रात के साथ ताली बजाएंगे, महाराज आपके महलों में माता मारू देवी के कुक्ष से तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है। सुंदर। तभी भुआ जी आती है तीर्थंकर बालक के कजरा लगाने के लिए। कैसे? भुआ जी, भुआ जी कहाँ हैं जो बनाई थी? आ जाओ, दो दो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे आ रही हैं? हो ललना की सुन के मैं आई, हो माता मेरी दे दो बधाई। ललना की सुन के मैं आई, हो माता मेरी दे दो बधाई। दे दो बधाई माता, दे दो बधाई। ललना की सुन के मैं आई, हो मारू माता दे दो बधाई। ललना की सुन के मैं आई, हो मारू माता दे दो बधाई। महाराज, बुआ जी आ गई हैं, बधाई के लिए इनके लिए भी घोषणा कर दो कुछ। और कैसे? हो माता मारू के लाला कजरा रे, तेरे मोटे मोटे नैन नजर ना लग जाए। होय होय होय, नजर ना लग जाए। होय होय होय। महाराज आ गई हैं, घोषणा कर दो कजरा लगाने के लिए आई। देखो कजरा लगाओ, कजर बस बस, काजल लगाओ, इसी में लगा दो। और देखो भुआ जी काजल लगा रही हैं, ताली बजाएंगे भुआ जी के लिए।
और देखिए हमारे सौधर्मेंद्र महाराज का आदेश है कि सुरेश जी पालना कल शाम को झुला लेना, समय बहुत हो गया है, आज यहीं पर विराम देते हैं। कल आपके बीच सुनो तीर्थंकर बालक का पालना होगा, बच्चों की बाल क्रीड़ा होगी, जितने भी बच्चे हैं आपके सबको तैयार करके लेकर आना है, बच्चों की बाल क्रीड़ा होगी और बाल क्रीड़ा के बाद में बच्चों का यहाँ पर तांडव नृत्य भी होगा, सब कुछ कल दिखाएंगे, बच्चों को सबको तैयार करके लाना है, ठीक है जी। तो पहले पालना होगा, पालने के बाद में बच्चों की बाल क्रीड़ा होगी, ठीक है जी। एक बार हमारे सौधर्मेंद्र महाराज, माता पिता कुबेरेंद्र महाराज और भुआ जी के लिए गड़गड़ाहट के साथ ताली बजाएंगे। जय जिनेन, शुभ रात्रि। नाटक बहुत बढ़िया हुआ, असली में जैसा ऐसा हुआ कि जैसे वाकई इस टाइम जो है मतलब पचकाना खो रहे हो, और इतना बढ़िया नाटक हुआ।